प्रयत्न कर रही थी कि चलो बैठो, जैसे तैसे पोजीशंस चेंज कर रही थी, बट ट्राई कर रही थी। आज काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और कल रात को मेरे को नींद, ये दो तीन दिन से गले में बहुत अकड़न आ गई थी, यस्टरडे आई कुड स्लीप, कल मैं बहुत अच्छी तरह सो पाई, कुछ भी नहीं लगा मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। और अब वो गंदगी मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बताया था, इसलिए मैं डर गई थी। मैं बोली नहीं होगा, नहीं होने का ना। हाँ, माँ बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं चार पांच महीने पहले आपको मिलके गई थी, अभी मैं आज कल वन डे हवन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्री महसूस, लाइट वेट हो गया है बहुत। मेरी मेन समस्या थी डायबिटीज हूँ मैं, और यूरिक सॉरी नी प्रॉब्लम भी बहुत है, बैक एक था काफ़ी, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल मैं बैठ नहीं पा रही थी, कहीं कहीं स्टूल भी ले कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी कि चलो बैठो, जैसे तैसे पोजीशंस चेंज कर रही थी, बट ट्राई कर रही थी। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और कल रात को मेरे को नींद, ये दो तीन दिन से गले में बहुत अकड़न आ गई थी, यस्टरडे आई कुड स्लीप, कल मैं बहुत अच्छी तरह सो पाई, कुछ भी नहीं लगा मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। और सब गंदगी गई, सब नष्ट हो गई। हाँ, अब वो गंदगी मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बताया था, इसलिए मैं डर गई थी। मैं बोली नहीं होगा, नहीं होने का ना। हाँ, और देखिए आप दोनों के, हाँ, या आपके मेन कष्ट है थोड़े, हाँ, इसके भी इसी में शामिल है। हाँ, अब गए मिलते जुलते दोनों। अच्छा, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृति थी, सब कुछ गंदा दिखना होना, नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, ब्रेन में सूजन, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, फ्रोजन शोल्डर था, थायराइड ग्लैंड में सूजन, शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक थी, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, शरीर में अकड़न जकड़न बने रहना, शरीरों में गांठों की स्मृति थी, लीवर स्पॉन्डलाइटिस था, सॉरी लंबर स्पॉन्डलाइटिस था, यूट्रस में गांठें बन रही थी, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, तलुओं में शून्यपन, भोजन से अरुचि होना, निद्रा जो है अनियमित रहती थी, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहे थे, घाव बन रहा था श्वास नली में, गॉल ब्लैडर में, मस्तिष्क में और ब्रेस्ट में, कैंसर बन रहा था ब्रेस्ट में, कोलोन में, भोजन नली में, हड्डियों में और आँखों में। गुरुजी मुझे चाय पीने की बहुत बहुत बुरी आदत है, मैं बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, और मीठा मीठा भी बहुत खाती हूँ, तो वो मैं कैसा बंद करूँ, मेरा बहुत इच्छा है। बताते हैं, यूट्रस ऐसे हो रहे थे आप लोगों के खराब, ओवरी सब। यूट्रस कमजोर हो गया था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, फ्लिपियन ट्यूब में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहना, प्राइवेट पार्ट में दर्द और सूजन और गंदे स्पंदन होते थे, और आपके स्पाइन में लंबर स्पाइन से लेके नीचे तक बहुत कष्ट थे, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत दुख था। देखिए कितने आपके स्पाइन से लेके कष्ट थे। स्पाइन में पस बन रहा था, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप ज्वाइंट में दर्द होना, मोटर नर्व सूख रही थी, हड्डियां कमजोर हो गई थी, लकवे की स्मृति थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, ऑस्टियोपेनिया था, कार्टिलेज जो है घिस गए थे, दुर्घटना कराने वाली स्मृति थी, और घुटनों में पस बन रहा था। गुरुजी अभी मैं क्या करूँ, वो चाय बंद करना है और मीठा भी पहले इसी पे रहते हैं, उसके उसमें आते हैं। आप उठ बैठ कर देखिए, बैठिए, जमीन बैठिए, हाँ पालथी लगाइए, ठीक, आप खड़े हो। आप क्या लगता है घुटने बदल पाने हैं आपको? नहीं अभी तो नहीं दुखा मुझे, जब मैं उठ रही थी अभी बिल्कुल दुखा नहीं मुझे। यही डॉक्टर साहब लेकिन बदल डाले गुरुजी, मैं काफी टाइम तक नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ मेडिटेशन वगैरह करना है तो बिल्कुल नहीं। अब आपको बैठिए उठिए, आप तो अच्छे खड़े बिल्कुल। नहीं ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकती हूँ। आप दिन भर बैठी, अब सुबह से बैठी तो है आप तो पोजीशन चेंज आप करके उससे क्या होता है, पोजीशन तो कोई स्वस्थ आदमी चेंज करेगा। ये बेटी आपकी नहीं बैठ सकती तीन घंटे से एक पोजीशन में, ये तो यंग है, हर कोई भी यंग हो आधे घंटे एक पोजीशन बैठ ही नहीं सकता, वो तो बदलेगा ही पोस्चर। मुख्य बात ये कि बैठ पाता कि नहीं बैठ पाता। आप तो बैठ ही नहीं सकती थी। नहीं मैं बैठ सकती थी गुरुजी, बट उठने को प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था, ऐसे दुखता था, घुटने बहुत दुखते थे जब मैं उठती थी तो। है? मैं जब उठती थी तो घुटने बहुत आज नहीं दुखे। नी ट्रांसप्लांट क्यों हो रहा था आपका? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला डॉक्टर ने मेरे को। यहाँ तो बगैर नी ट्रांसप्लांट के आप ठीक हो गए। हाँ सही बात है।
तो आप इसको बड़ा बात नहीं मानती? नहीं, इट्स वेरी गुड थिंग ना, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू फॉर दैट। और उसके साथ 50 लोग और कष्ट आपके चले गए। थैंक यू। और डॉक्टर आपका जीवन और बर्बाद करा देता, नी ट्रांसप्लांट करके कहीं का नहीं छोड़ता, फिर आप चल ही नहीं पाती। नहीं, ऑस्टियोपेनिया कैसे ठीक करता डॉक्टर आपका? मैं नहीं करवाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर था लोगों का। आपका ऑस्टियोपेनिया डॉक्टर कैसे ठीक करता? है कोई इलाज इसका? नहीं संसार में। तो फिर वो भी ठीक है आपका, कहीं कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग है। ये सब स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ जान ले लेती हैं, रोगी बना देती हैं, पागल बना देती हैं, कुछ का कुछ कराती हैं। ऐसे डॉक्टर खुद पीड़ित है, डॉक्टर को खुद ही तमाम समस्याएं इसी प्रकार की भ्रम की, जिसको सर्जरी नहीं होनी इसको सर्जरी कर दे रहे हैं, जिसकी होना चाहिए उसकी कर नहीं रहे, दवा कोई देनी दवा कोई दे रहे, उनके अंदर भी सब ये पित्र हैं। वो कोई भगवान नहीं है, ऊपर से नहीं कूद गए डायरेक्ट। जैसे आपको कष्ट है तमाम पितरों का, ऐसे उनको डॉक्टरों को भी है, भ्रमित है, खुद भ्रमित हैं और लाखों पेशेंटों का जीवन बर्बाद करते हैं भ्रम के कारण। अभी आपको लगता है कि आपको नी ट्रांसप्लांट कराना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता है। और डॉक्टर कर देते? बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर कर देते? मेरे को तो 2 साल पहले ही बताया था, लेकिन मैं कंट्रोल में एक्सरसाइज मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आपका कर देते नी ट्रांसप्लांट, तब कैसा रहता आपके डॉक्टर का? आज आप डॉक्टर ने जो सलाह दी नी ट्रांसप्लांट के लिए, आज आप उस डॉक्टर को बेवकूफ मानती या अच्छा नहीं मानती? बेवकूफ है, ऐसे ही कितनों को सलाह दे करके, आपने तो नहीं कराया इच्छा शक्ति से अपनी, बाकी लोग तो बेचारे करा लेते हैं, हड्डी निकलवा के जिंदगी खराब हो जाती है। इसको कैसे आप देखो, अगर इसको एज ए लेमैन इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भ्रम फैला हुआ समाज में, कैसे रोगों कष्टों के फर्जी बता करके और इलाज चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शरीर को चीर फड़वा डाल रहे हैं, और डॉक्टर बता देते तुमको ये रोग है ये रोग है ये रोग है, और नई स्मृति बना देते हैं, आदि भयभीत हो जाता है और रोग बनने लगते हैं, है ना? सही बात है। तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल के आए हो, दरबार की कृपा है, दरबार की कृपा है, माँ बाबा की कृपा है, आपकी भी कृपा है हमारे पे। बाबा जी मुझे ना भूलने की बहुत आदत है, भूल जाती हूँ, भूलने की बहुत आदत है। पुरानी बातें नहीं, ये सब जा चुका, अल्जाइमर था, अल्जाइमर है नहीं, भूल जाते थे वो लोग चले गए। मैंने एक रिपोर्ट बनवाया था गुरु जी, सी पेप्टाइड वगैरह का डायबिटीज के लिए, आप देखेंगे जरा? किसके लिए? सी पेप्टाइड और आपने चेक कराए? कराया, जस्ट आप उसका लेवल आपने चेक किया? किसका? इसका जो रेंज है आपने चेक की? हाँ, उस इसके रेंज अनुसार में क्या रोगी है जी? इसके अनुसार आप टाइप 1 या टाइप 2 रोगी है? इसमें तो क्लियर नहीं बताया, वैसा नहीं बताया कि रेंज लिखी होगी ना उसमें, रेंज तो किधर नहीं, विद इन रेंज में है लेकिन 1 टाइप है या 2 टाइप है वो नहीं बताया उन्होंने। जब आप रेंज के अंदर है तो कहाँ ना टाइप 1 बचा ना टाइप 2 बचा। सही बात है वो भी। और आपने फास्टिंग इंसुलिन चेक कराई, पीपी फास्टिंग? हाँ, वो कैसी है? वो भी विद इन रेंज है, थोड़ा बड़ा है, फास्टिंग में जाना है 110 होना चाहिए बट 127 तक है। देखिए अगर 160 तक है डॉक्टरों मत जाइए, बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी मशीन सेट कर दी उन्होंने, ठीक है? वो आप ग्लूकोज की बात कर रही हैं, हम आपसे इंसुलिन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन नहीं है मेरे पास, इंसुलिन तो इंसुलिन आपकी नॉर्मल है। सॉरी, हाँ वो 1127, हाँ ठीक है, तो आपकी इंसुलिन नॉर्मल है? नॉर्मल है। काहे बात की आप शुगर की पेशेंट है? आप तो डायबिटीज के पेशेंट तब है जब आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई हो या घटी हुई हो, आपकी तो नॉर्मल है, सी पेप्टाइड आपका नॉर्मल है, ना टाइप 1 ना टाइप 2, तो कहाँ डायबिटीज रोगी है? अक्सर डॉक्टर फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडल पे करते हैं ना, या ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, HbA1c पूछते हैं, वो डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं आपको, आप सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, छोड़ो मेरी बात का जवाब दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, डायबिटीज होने का मतलब इंसुलिन घटा बढ़ा होना चाहिए कि ग्लूकोज घटा बढ़ा होना चाहिए? इंसुलिन कराते हैं डॉक्टर आपकी इंसुलिन? नहीं नहीं
नहीं कराते? ये अभी कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे बोलने पे आपने कराया। ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज का चेक करते हैं अक्सर। वो ग्लूकोज चेक करते हैं? हाँ, ग्लूकोज चेक तो करते हैं। वो कहाँ से शुगर हो गई? वो तो आप केवल कंट्रोल कर लीजिए खाने पीने में, तो नॉर्मल हो जाती है। वो तो वैसे ही बोलते हैं शुगर मत खाओ, ये मीठा मत खाओ, चलो फिरो सुबह उठ के, ये करो जल्दी सो। वो दुनिया भर का नाटक बनाते हैं। वो तो आप कुछ नहीं खाओगे दवा तब भी अच्छा हो जाएगा। जो शुगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो HbA1c चेक कराते हैं, जब आपके शुगर लेवल चेक कराते हैं, ग्लूकोज लेवल, वो तो आप खाना बंद कर दीजिए। सफ़ेद शुगर, सफ़ेद चीनी खाना बंद कर दीजिए, सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, समय पर सो जाइए, तो ये तो वैसे ठीक हो जाएगा शुगर रेजिस्टेंस। सही बात है गुरु जी। आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है, इसमें इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो तो आप अगर श्रम करेंगे तो जल जाएगा। दो तीन साल से कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया है, बट इसमें डॉक्टर का कौन सा योगदान है? असली बात तो रोग जो है वो डायबिटीज घटा, डायबिटीज होने का मतलब है ये इंसुलिन घटी होना या बड़ी होना। वो कराते नहीं चेकिंग, बस ग्लूकोज चेक किया और चालू आपको इंसुलिन देना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लो जल्दी घुसड़िए पेट में। ये कैसा भी बेवकूफी वाली बातें करते हैं लोग, इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं खड़ा होता है सामने इनके? ये बेवकूफ बना रहे पूरे समाज को, मारे डाल रहे लोगों को, जान ले रहे हैं लोगों की। और मैं दो तीन सालों से मेडिसिन भी खा रही हूँ, डर लगता है कुछ हो न जाए। यही समाज, आप पढ़े लिखे लोगों की यही समस्या है कि आप केवल डिग्री देख लेते हैं। डॉक्टर साहब फला 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 लंदन इटन, अरे गजब, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो एक डॉक्टर बड़ा हो सकता है, एक अच्छा आदमी होना दूसरी बात है। अच्छा आदमी होना और बड़ा आदमी होना और बड़ा डॉक्टर बनना, बड़ा इंजीनियर होना अलग बात है। अगर एक डॉक्टर अच्छा है, एक इंजीनियर अच्छा, अगर वो अच्छा आदमी हो तो ये सब करे नहीं नाटक। लेकिन वो तो कहता हम तो 5 करोड़ खर्चा करके आए हैं तब डॉक्टर बने, हम तो वसूलेंगे। तो व्यापार चल रहा है, वो तो लोगों की जान ले रहे हैं, मार दे रहे हैं जान से, फेक सर्जरी कर रहे हैं। अभी आपकी फेक सर्जरी होती अगर दरबार से नहीं जुड़े होते आप, नहीं जुड़े होती तो सही बात, तो आपकी फेक सर्जरी होती। ऐसे कितनों की हो रही फेक सर्जरी रोज? हम तो प्रमाण के साथ बात करते हैं, हम जो बात कर रहे हैं प्रमाण के साथ कर रहे हैं। हम केवल बातें नहीं कर रहे, हम विद प्रूफ कर रहे हैं बातें, और आप ही प्रूफ देते हो। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं दो बार आई थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वन डे करने की। ऊर्जा की बात है मुख्य रूप से। वन डे का मतलब जो वैदिक अनुष्ठान आप करते हैं, जो बृहद ऊर्जा आपको मिलती, विराट ऊर्जा आपके पास होती है, उसी से आप स्वस्थ होते हो अपने प्रार्थना संकल्प से। आपको तो दरबार में छुआ नहीं, किसी व्यक्ति ने आपको दरबार में छुआ नहीं, हमने आपको टच नहीं किया कभी लाइफ में, नहीं कोई मंत्र फूका, कोई कुछ तो किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भी। आपने स्वयं संकल्प किया, अपनी प्रार्थना की, और आप अच्छे हैं। हाँ, सही बात। ऐसे बच्ची आपकी अच्छी होकर खड़ी हुई टनाटन। गुरु जी, मुझे और एक पूछना था, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। मैं फोटो लाई हूँ उनका, मैं देखती हूँ फोटो को। उनसे बोलिए संकल्प करें जी, वो नहीं करते सही, संकल्प नहीं करते। हाँ, हाँ, उनसे बोलिए संकल्प करें तो ही ठीक होंगे। अच्छा, अपना प्रमाण प्रस्तुत करिए आप दोनों कि देखो हम दोनों स्वस्थ हैं प्रार्थना संकल्प से। आपको ठीक होना तो आप भी करिए। हाँ, मैं तो ठीक हूँ एकदम अभी। खुश, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। अब आप अच्छे हो, आपको कोई भी कष्ट नहीं, न शारीरिक न मानसिक, एकदम अच्छे हो। पढ़ने का मन कर रहा है आपको? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ। अपने काम के प्रति रुचि बढ़ रही है? हाँ जी, कि जो हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ठीक है, करना चाहिए। हाँ जी, कॉन्फिडेंस ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है, एकदम बढ़िया। खूब खुश है, खुश है। गुरु जी, एक पूछूं मैं आपको? गुरु जी प्लीज एक मिनट, एक पूछती हूँ। मेरे मिस्टर जो है ना, बहुत सारा स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए मैं क्या करूँ अभी? मैं उनको बहुत संकल्प करना होगा। हाँ, मैं तो बहुत छोड़ने के लिए संकल्प करना होगा। मुंह से बोल दे हम छोड़ना चाहते हैं, बाबा छोड़ा दिए, एक सेकंड का था। मैं बोलती हूँ उनको, उनको बोला था आने के लिए, लेकिन ये टाइम टाइम नहीं था उनको। यही होता आदमी को, टाइम तब मिलता जब अस्पताल में पड़ा होता है ICU में, तब कहता अब टाइम पूरा है, अब बताओ कब तक रखोगे डॉक्टर साहब ICU में। मैंने अचानक मेरी टिकट बुक कर ली ना, उनको बोला ही नहीं। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं अपने तमाम मिलने वाले होते हैं ना, जैसे ज्यादा स्नेह होता है, हाँ। उनको बोलते हैं यार तुम लोग वन डे कर लो आके, हाँ। अच्छा रहेगा, ये तो प्रॉब्लम तुम्हारे है, क्या बताएं टाइम नहीं मिल रहा है। हंसी आती है, अरे भैया यही तुमको टाइम नहीं देने दे रहे, गंदगी
यही चाहते हैं कि तुम मत करो, यही चाहते दूर रहो भैया दरबार से, नहीं मर जाएंगे सब, खत्म हो जाएंगे, ये आदमी स्वस्थ हो जाएगा, वही चाहते हैं कि मत करो, समय नहीं है, समय नहीं है, अंदर सर्कस चलाते रहते हैं, हंसी आती है उनके ऊपर, तरस आता है ऐसे लोगों को, सहानुभूति होती, खुश होती।